केंद्र सरकार के नए कृषि कानून और संसद का शीतकालीन सत्र निरस्त करने के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश रैलियों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में बालाघाट जिले के यूथ कांग्रेस के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष तबरेज खान ने मशाल रैली निकाल अपना विरोध जताया। बालाघाट में यूथ कांग्रेस के द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष तबरेज खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। युवाओं ने हाथ में जलती मशाल लेकर शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण किया और अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां एक जगह इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के दौरान युवा कांग्रेसी मोदी सरकार मुर्दाबाद और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। काले कानून के खिलाफ ये जो हमारा मशाल आक्रोश रैली है और संसद सत्र जो स्थगित कर दिया गया देश में, और जो हमारे किसानों का बारे में जो आज संसद में जो बहस होती उसको भी ने खारिज कर दिया गया, उसके विरोध में आज ये हमारा आक्रोश रैली का कार्यक्रम था। मशाल कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी आक्रोश? ये हमारे अम्बेडकर चौक से काली पुतली चौक होते हुए यहाँ आके प्रदर्शन कर रहे हैं हम अम्बेडकर चौक। सर, और कुछ और नीति बना रहे हैं कि आगे जो हमारी नीति है पूरे जिले लेवल में यह कार्यक्रम करा जाएगा, जो हर विधानसभा स्तर पे भी कार्यक्रम होंगे, जिले स्तर पे भी हम बड़ा कार्यक्रम करने की बना रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।